हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जेंडर आइडेंटिटी यानी लैंगिक पहचान का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू आज हम लोग देखेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। पार्ट वन लिंक उसकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से आके पार्ट वन देख सकते हैं। ठीक है, और मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड वीडियोस तो मिलती ही हैं, एज वेल एज अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको ये सेम वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, वहाँ चेक कीजिए, आपको ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। ठीक है, और उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी देरी किए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पार्ट वन में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, डेफिनेशन देख लिया था, ऑब्जेक्टिव्स देख लिया था, कंपोनेंट्स भी देख लिया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती हैं जेंडर आइडेंटिटी के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट देखिए, शेप्ड इन अर्ली लाइफ। तो जो जेंडर आइडेंटिटी है, लैंगिक जो पहचान है, वह क्या होती है, अर्ली लाइफ में ही उसका आइडेंटिफाई हो जाता है। बेसिकली 3 से 6 साल के बीच में। ठीक है, जॉन मनी ने क्या कहा कि जो चिल्ड्रन है माइट हैव अवेयरनेस ऑफ एंड अटैच सम सिग्निफिकेंस टू जेंडर एज 18 मंथ टू 2 ईयर्स, यानी 2 साल के तक के जो बच्चे होते हैं, वहाँ तक आते आते बच्चों को अपनी जेंडर आइडेंटिटी यानी कि वह एक बॉय है या गर्ल है, वो उनको खुद को फील होने ही लग जाता है। लेकिन जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वो क्या कहते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो 3 साल तक जो बच्चे होते हैं तब तक बच्चों को इसके बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता, वो नहीं पहचान कर पाते अपनी, क्योंकि वो भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, बॉय क्या है, गर्ल क्या है। ठीक है, एट दिस एज चिल्ड्रन कैन मेक फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट देयर जेंडर, दे टेंड टू चूज एक्टिविटीज़ एंड टॉयज विच आर कंसिडर्ड, यानी कि इस उम्र में जब बच्चा खेलने लग जाता है 3 साल में, दो तीन साल तक, तो बच्चा क्या करता है, बच्चे का जो बिहेवियर है ऑटोमेटिक वो उसके जो जेंडर से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि जो बॉयज़ हैं वो ऐसे गेम्स चुनेगा जो ज़्यादा बॉयज़, जैसे कि बॉयज़ लोग ज़्यादा करके गन्स खेलते हैं, ठीक है, या तो कोई भी आउटडोर गेम, क्रिकेट, ये सब, मतलब फुटबॉल, ये सब खेलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो गर्ल्स होती हैं वो अपने तरीके का जो है गेम्स खेलना शुरू करती है। तो इस तरीके से 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो अपने बिहेवियर के थ्रू वो शो करने लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए डॉल्स एंड पेंटिंग्स, ये किसके लिए एग्जांपल बताया गया है, गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए आउटडोर गेम्स जैसे फुटबॉल हो गया और बाकी के जो गेम्स हैं जो बॉयज़ ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, हालाँकि जो ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, ट्रांसजेंडर्स, वो उनका थोड़ा दिक्कत ये होता है कि उन लोग अपने आप को इतनी जल्दी एम्ब्रेस यानी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो रहते तो हैं बॉयज़ बट उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, गर्ल्स के जैसे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड है कंसिस्ट एक्सेप्टेंस। यहाँ पे देखिए जेंडर आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन एज मेंबरशिप ऑफ जेंडर कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बॉय एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज अ बॉय ही एग्जिबिट, यानी कि अगर जो बच्चा है, जो बॉय है, वो अपने आप को अगर एक लड़का मानता है अंदर से, उस फीलिंग भी जो है वो उसके बॉयज़ के जैसे ही होती है, तो वो उसके जो ट्रेट्स होते हैं, उसका जो स्वभाव होते हैं, बिहेवियर होता है, वो कैसा होता है, बॉयज़ के जैसे ही होगा। और जो गर्ल है वो अगर, जो गर्ल है, जो लड़की पैदा हुई है और उसके अंदर भी जो फीलिंग्स है, जो बिहेवियर है, वो लड़कियों जैसी होगी, तो वो भी क्या करेगी, फीमेल ट्रेट्स शो करेगी, फीमेल बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, यहाँ पे देखिए,
ट्रांसजेंडर, तो बहुत सारे जो इन मिनी वेस्टर्न कल्चर्स में क्या है कि इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई विद अ जेंडर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल सेक्स आर कॉल्ड ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के बारे में यानी कि अगर सपोज वो लड़का है, ठीक है, लेकिन वो लड़कियों की तरह रहना पसंद करता है और लड़कियों के जैसे ही रहता है, तो ऐसे में लोगों को इन स्पेसिफिक पर्सन का नाम क्या दिया गया है, ट्रांसजेंडर का। ठीक है, सम ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इफ दे हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड मेडिकल केयर, कुछ ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ठीक है, जिनको कि जिनके कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो क्या करते हैं मेडिकल मतलब मेडिकल में उन लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार की सर्जरी करके उन लोग अपने जो है विशिष्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उसको चेंज करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, रिलेटेड टू बेसिक डिवीजन। ठीक है, फोर्थ है रिलेटेड टू बेसिक डिवीजन। जो जेंडर आइडेंटिटी है इज रिलेटेड टू बेसिक डिवीजन ऑफ जेंडर एट्रीब्यूट असाइन टू मेल एंड फीमेल्स, यानी कि जो मेल्स होते हैं वो अलग होते हैं और फीमेल्स होते हैं अलग होते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी क्या है, बेसिकली दोनों की विशेषताओं को बताता है। ठीक है, बेसिक डिवीजन ऑफ सेक्स एंड जेंडर ट्रेट्स आर ट्रेडिशनली कॉल्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और इन्हीं दोनों को यानी कि जो वुमेन बिहेवियर है उसको क्या कहेंगे, फेमिनिन, और जो मेंस बिहेवियर मेंस ट्रेट है वो मैस्कुलिन होता है। ठीक है, मैस्कुलिन आर ट्रेट रिलेटेड टू मैन एंड फेमिनिन टू वुमेन। द बेसिक डिवीजन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, और ये जो दोनों के बीच में जो डिवीजन बनाया गया है, पार्टीशन किया गया है, विशेषताएं अलग अलग जो है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये हमारी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसको हम साइंटिफिकली ट्रू नहीं कह सकते। इन जेंडर आइडेंटिटी व्हेन अ बॉय फील हिमसेल्फ अ बॉय ही एग्जिबिट मस्कुलिन ट्रेट्स मोस्टली, और जो जेंडर आइडेंटिटी में अगर बॉय है वो अगर अपने आप को बॉय समझता है, अपने आप को बॉय फील करता है, तब उसके अंदर मस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे है नॉट फुल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाउंडलेस साइकोलॉजी, यह डेफिनेशन 2016 में दी गई थी। According to boundless psychology, in all society, however, some individual do not identify with some of the aspect of gender that are assigned to their biological sex. It means a man does not identify or classify or recognize himself full man. He may feel that he has, मतलब कि boundless psychology क्या कहते हैं कि हमारी society में ऐसे भी कई individuals होते हैं जो अपने आप को पूरा नहीं समझते, complete नहीं समझते। अगर वो मैन है, मैन ही पैदा हुए हैं, बॉय पैदा हुए हैं, लेकिन उनको क्या लगा कि हमारे अंदर मस्कुलिन ट्रेट्स हैं, पर फिर भी पूरी जितने भी विशेषताएं होती है एक मैन में वो सारी कंप्लीट ट्रेट्स हमारे अंदर नहीं है, कुछ तो इनकम्प्लीट है उसमें। ठीक है, मेनी नेम्स ऑफ ट्रांसजेंडर, तो चलिए अब सिक्स देख लेते हैं, मेनी नेम्स ऑफ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के बहुत नेम होते हैं, जैसे कि जेंडर क्वेर, जेंडर फ्लूड, जेंडर वेरियंट, एंड्रोजिनस, एजेंडर एंड जेंडर नॉन कंफर्मिंग। ये क्या होता है, उस इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जाता है जिसे कि ना तो मैन में और ना वुमेन की कैटेगरी में डाला जाता है, तो ये बीच में जिसको एक नया ग्रुप है, जिसको एक नया नाम दिया गया है ट्रांसजेंडर का। ठीक है, जनरली अलाइन विद सेक्स, मोस्ट चिल्ड्रन जेंडर आइडेंटिटी अलाइन विद देयर बायोलॉजिकल सेक्स, इट मीन्स मोस्ट फील बॉय, इट मीन्स मोस्ट बॉयज फील देमसेल्फ एज बॉय एंड मोस्ट गर्ल्स फील देमसेल्फ एज गर्ल। तो बेसिकली उनके सेक्स से रिलेटेड होता है, यानी कि जो बॉयज़ होते हैं वो अपने आप को अंदर से बॉयज़ ज़्यादा फीलिंग करेंगे, और जो गर्ल्स है वो अपने आप को गर्ल्स जैसे क्या करती फील करती है, और उनके अंदर फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जनरली एक्सप्रेस्ड, तो जो जेंडर आइडेंटिटी है इज़ मोस्टली एक्सप्रेस्ड बाय अ पर्सन, तो वो पर्सन के जो बिहेवियर है उसका जो एक्सप्रेशन है उससे ही पता चल जाता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट जेंडर आइडेंटिटी कैन बी कंसील्ड, इन रियलिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन बिहेवियर एक्शन एंड इन सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो ट्रेट्स हैं, जो अगर कोई बॉयज़ होते हैं उनके अंदर जो ट्रेट्स होते हैं, अगर वो वुमेन्स के होते हैं तो उनके बिहेवियर से ही हम पता कर लेते हैं। ठीक है, कि
उनके जो बिहेवियर है वो क्या है, वुमेन ट्रेड्स है, फेमिनिन ट्रेड्स है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, उनके बिहेवियर या तो उनके एक्सप्रेशन से ही हम पता लगा सकते हैं, दैट इज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू देयर बिहेवियर, नॉट डिरेक्टली ऑब्जर्वेबल। तो जो जेंडर रोल है वो उनके बाहरी हम को बाहर से देख सकते हैं, बाहरी रूप से दिखता है, क्योंकि उनके जो बिहेवियर है उनके एक्शन से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। जेंडर वेरस जो जेंडर आइडेंटिटी है वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो इंटरनल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे है, लास्ट है नॉट डायनामिक। तो जो जेंडर आइडेंटिटी है ये स्टेबल थिंग है, इसमें चेंजेस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि इट मीन्स अ पर्सन जेंडर, जो पर्सन की जो जेंडर आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं की जा सकती है, ठीक है। जो उसकी पहचान है, अगर जो लड़का है, ठीक है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो वी कैन नॉट चेंज दैट, और गर्ल्स की भी वी कैन नॉट चेंज। ऑल्दो जो बॉयज़ होते हैं कई कई उनके जो अंदर जो ट्रेड्स अगर होते हैं वो फेमिनिन ट्रेड्स होते हैं, तो वो भी उनका एक तरीके से जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो वो वी कैन नॉट चेंज दैट, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, डायनामिक होता है, ठीक है। उनके जो बिहेवियर है, उनकी जो फीलिंग्स है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता, वो डायनेमिक होते हैं, स्थाई होते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।